बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहरबास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास इसके यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज़ की वीडियो लेकर आया हूं। तो कल से ये सिलसिला चल निकला है के साथ साथ एमसीक्यूज़ को भी किया जाए। आपको पता है कि टोटल मैथमेटिक्स के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 75 हैं, इसके अंदर जो 15 नंबर्स हैं वो एमसीक्यूज़ के होते हैं, यानी 15 नंबर का मतलब है 20% मार्क्स एमसीक्यूज़ के हैं। तो इसका मतलब है जो बच्चा 15 एमसीक्यूज़ सही कर गया तो 20% मार्क्स वो पक्के कर गया, 15 नंबर वो पक्के कर गया, उसके लिए अब अच्छे नंबर लेना मुश्किल नहीं है। तो यूनिट शुरू करने से पहले, एमसीक्यू शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका और आपके साथी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं, आज मैंने कुछ इसमें चेंज लेके आया हूँ। वो कुछ यूँ है कि बुक वाले जो एक्सरसाइज के अंदर हैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा अप टू डेट को देखा जाता है, जो एमसीक्यूज़ अप टू डेट पे है लेकिन इधर बुक पर नहीं है वो भी सॉल्व कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। तो मैंने आज इस यूनिट के अंदर देखा है कि चंद एक एमसीक्यूज़ हैं जो अप टू डेट में तो मौजूद हैं लेकिन बुक में नहीं हैं, तो एंड पर उनको भी सॉल्व करके उनका जो करेक्ट आंसर है वो बता दिया जाएगा। तो चलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन, टिक द करेक्ट आंसर। पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सुन लें, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखते हैं, तो ए में लिखा हुआ है ए बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड नहीं है। बी में लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है। बी को हम टिक कर देते हैं, इसके गिर्द सर्कल कर देते हैं, वो हमने कर लिया। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स, और डी में है ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो करेक्ट आंसर है, जो सही स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन है, ये आंसर में मैंने लिख दिया है। दूसरा एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें 1, 2, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो देखते हैं 3 कहाँ लिखा हुआ है, ए 1 लिखा हुआ है, बी 2 लिखा हुआ है, सी 3 और डी 4 है। तो सी ऑप्शन दुरुस्त है, दूसरे एमसीक्यूज़ के लिए हमने सी लिख दिया, इस पे टिक भी लगा दी और यही हमारा आंसर है। तीसरा एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एक है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 4, तो हम 3 वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, 3 वाला ऑप्शन है यहाँ तीसरे एमसीक्यूज़ के अंदर सी। तो तीसरे एमसीक्यूज़ का, 3rd एमसीक्यूज़ का भी आंसर सी ही करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं चौथे एमसीक्यूज़ की तरफ, लिखा हुआ था क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, क्वाड्रेटिक फार्मूला सुन लें, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, यही दुरुस्त आंसर है, यही सही आंसर है ए वाला, तो लिख दें, बाकी पढ़ लेते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 4th एमसीक्यूज। बाकी लिखा हुआ है बी में, लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू बी, यानी बी के साथ वैसे माइनस बी है तो वो माइनस नहीं है इसलिए सही नहीं है,
सी में लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी लिखा हुआ है, हालांकि माइनस फोर ए सी होता है। डी में माइनस बी होता है, बी लिखा हुआ है प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी प्लस माइनस होता है, ये भी सही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए है, चौथे एम सी क्यूज का, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर अंडर रूट ओवर टू ए। तो हमने चौथे का ये ऑप्शन टिक लगा दी है। अब पांचवें ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पांचवां ऑप्शन है द लीनियर फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर है माइनस फिफ्टीन एक्स है प्लस 56 है, इसके फैक्टर बना के लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। लीनियर फैक्टर्स वो होंगे जिनमें एक्स की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 होगी, तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 8 7 द 56 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 56 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर बन गया, एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 8 आ गया, फिर माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8 आ गया इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो है x माइनस 7 वाला एक फैक्टर है और दूसरा है x माइनस 8 वाला। देखते हैं दोनों माइनस वाले फैक्टर हैं, ढूंढते हैं। तो a में एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, b में भी एक प्लस वाला है माइनस वाला है, d में दोनों प्लस वाले हैं जबकि हमारे पास दोनों माइनस वाले होने चाहिए। तो c पे देखें तो x माइनस 7 लिखा हुआ है और x माइनस 8 लिखा हुआ है, इसलिए पांचवें एम सी क्यूज का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, पांचवें का सी करेक्ट आंसर है। अब छठे की तरफ चलते हैं, उसमें लिखा हुआ है एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड, के एक इक्वेशन उसमें कोई तब्दीली नहीं आती व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। तो x और 1 ओवर x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो फिर ये इक्वेशन भी तो वही बनेंगी। इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, नहीं, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। बी आंसर इसका सही है, तो छठे का बी हम लगा देते हैं, छठे का बी आंसर लगा दिया। बाकी पढ़ लेते हैं, रेडिकल इक्वेशन नहीं है और नन ऑफ दीज नहीं, बल्कि इनमें आंसर मौजूद है, और कौन सा है, रेसिप्रोकल इक्वेशन बी आंसर है, वो बी पे हमने टिक लगा दी है। इसके बाद अगला पार्ट, ये जो हमारा कौन सा पार्ट था, छठा पार्ट था, इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 7 है। तो पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं जी। सातवें पार्ट में उसने कहा एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x + 3 की पावर 2 - x + 6 = 0 इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, नन ऑफ दीज। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें x पावर में आ गया है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाला जो ऑप्शन है वो ए है। तो सातवें का करेक्ट आंसर ए है, इस पे हमने टिक कर दिया। आगे आठवां पार्ट है, आठवें में लिखा हुआ था सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे दी गई है, वो है 4x² - 16 = 0। इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो आपने टिक करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4x² इज इक्वल टू हो गया 16, अब 4 16 से कैंसिल होगा, x² इज इक्वल टू 4, जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 को ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x² - 16 इज, पहला है प्लस माइनस 4, ए नहीं है, बी है ओनली 4 नहीं है, सी है प्लस माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए, डी में प्लस माइनस 2 तो लिखा हुआ है लेकिन ब्रैकेट में नहीं है, इसलिए डी भी आंसर सही नहीं है। तो सी ऑप्शन सही है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन सेट होना चाहिए। तो आठवें पार्ट का सी करेक्ट आंसर है, वो है प्लस माइनस 2, सो इसका सॉल्यूशन सेट। आगे नौवां पार्ट है, लिखा हुआ है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x³ - 3x³ + 7x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, नन ऑफ दीज। तो ये जो पावर 4 आ गया है, इसको हमने सिंपल बना के क्वाड्रेटिक करना है, ये उस वक्त बनेगी
जब सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, जब एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 3 ओवर एक्स आ जाएगा, 2 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाएगी। सो नौवें का जो आंसर है वो ए है, जिसमें लिखा हुआ है रेसिप्रोकल इक्वेशन, और यही दुरुस्त आंसर है नौवें का, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो ये हमारे बुक वाले एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। जो दो एमसीक्यूज और दे दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करके बताता चलूं। एक ऑफ एमसीक्यूज कुछ यूं है अप टू डेट पे, जो बुक से कुछ डिफरेंट है, वो लिखा हुआ है 5x square माइनस 125 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। तो 5x square इज इक्वल टू 125, जब कैंसिल करेंगे तो x square आ जाएगा 25 के, जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाता है प्लस माइनस 5। तो फिर हम कहेंगे कि जो प्लस माइनस 5 है और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा प्लस माइनस 5, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी दिया गया होगा उसमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा। ये बुक पर नहीं है लेकिन एमसीक्यूज जो अप टू डेट वाले उनमें ये अजाफी मौजूद था, इसलिए मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया कि इसका आंसर प्लस माइनस 5 आए जी। एक और एमसीक्यूज जो अप टू डेट पर दिया है और हमारी बुक में नहीं है वो भी सुन लें। वो कहता है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन है x square minus 9, इसका सॉल्यूशन सेट आपने बताना है। अभी अभी इसी तरह के दो पार्ट ऊपर किए, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, 9 दूसरी तरफ, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे 9 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 3। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस माइनस 3 को, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट बन जाता है। और उधर जो आंसर दिए हुए हैं अप टू डेट पर चार ऑप्शन, उनमें ये प्लस माइनस 3 मौजूद है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।